Hello, champ. So a lot of you were asking me for my recommendation for the best sample papers जो market में available हैं, जो आपको buy करने चाहिए, जिनसे आपको practice करनी चाहिए. So I thought कि एक video बनाकर ही आपको बता देते हैं. So my genuine recommendation and one of my personal favorite books would be, जैसे मैं आपके लिए हमेशा hidden gems लेकर आती हूँ, ऐसे ही ये book भी है एक hidden gem. टारगेट के जो सैम्पल पेपर्स हैं अकाउंटेंसी के, बहुत ही अमेजिंग है. व्हाई? बिकॉज इसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बहुत यूनिक है. हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले ना देखे हो, एंड दिस विल टेक योर प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल. सो इस बुक में आपको 5 मॉक टेस्ट पेपर्स, 5 प्रैक्टिस पेपर्स और 2 प्री बोर्ड टेस्ट पेपर्स, यानी टोटल 12 3R पेपर्स सॉल्व करने को मिलेंगे. दिस इज एज पर द लेटेस्ट CBSE करिकुलम, और जो इस बार CBSE ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके करिकुलम में ऐड किए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको इस बुक में मिलेंगे. सो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको डेफिनेटली सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए, स्पेशली फॉर अकाउंटेंसी, क्योंकि इस सब्जेक्ट में टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग इशू. तो हो सकता है पहला सैम्पल पेपर आप 3 घंटे में ना सॉल्व कर पाए, बट एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, तो आप गिवन टाइम में, यानी 3 घंटे में, अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे, और वो भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जो आपने पहले शायद प्रैक्टिस ना किए हो. राइट? सो आई हाईली रिकमेंड दिस. अनदर थिंग, अगर आपके पास अभी टाइम है तो इनकी जो क्वेश्चन बैंक वाली बुक है वो भी बहुत अच्छी है. एंड दिस बुक आई रेकमेंड नॉट जस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर योर CUET प्रेपरेशन, बिकॉज दिस हैज सम अमेजिंग MCQs. मैं हमेशा पर्सनली भी इन बुक्स को रेफर करती हूँ टू ड्राफ्ट अमेजिंग क्वेश्चन फॉर यू. सो इस बुक की खास बात क्या है कि एक तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, एंड ईच चैप्टर हैज इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन पहले आपको मिलेंगे, देन केस बेस्ड क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके CUET में बहुत पॉपुलर हैं, MCQs, ट्रू एंड फॉल्स, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मिसिंग फिगर क्वेश्चंस भी फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स. सो दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग बुक. एंड लाइक आई सेड, अगर बोर्ड्स के लिए नहीं तो CUET के लिए आप ये रेफर कर सकते हैं. अगर आपने जो भी बुक आपने फॉलो की है थ्रू आउट द ईयर, TS गरेवाल, DK गोयल, अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी, जिस बुक से भी आपने प्रिपेयर किया है थ्रू आउट द ईयर, अगर वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आई हाईली रेकमेंड कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें, क्योंकि सैम्पल पेपर सॉल्व करने से एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है, विच इज ओह सो क्रूशियल फॉर अकाउंटेंसी एग्जाम. देन इट इज अ वे ऑफ असेसिंग योर ओन सेल्फ कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, सो दैट यू कैन वर्क हार्डर ऑन दोज. ये जो सैम्पल पेपर्स आपको मिल रहे हैं, दीज आर विद सोल्यूशंस, सो दैट यू कैन इजिली चेक योर परफॉर्मेंस. सो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में इन बुक्स का, वहां से आप ये बुक्स परचेज कर सकते हैं. दिस इज माई जेन्युइन रिकमेंडेशन. सो बहुत मेहनत करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.